नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का हिंदी विषय, उसका पाठ 11, पतंग। पतंग आप सबने, बेटा आप सबको उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना। हम कब उड़ाते हैं पतंग? जनवरी में। कौन सी तारीख को? 14 तारीख को, है ना, उत्तरायण बोलते हैं हम उसको। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी पतंग दिखाई दे रही है और ये बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे। तो यहाँ पर क्या है, एक कविता है, ठीक है। किसके बारे में? पतंग के बारे में। आपको भी बहुत अच्छी लगती है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 मतलब हवा के साथ, आप देखते हो ना आवाज़ आती है जब हम पतंग को उड़ाते हैं तब तक। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब इसको काटा उसको काटा का मतलब आप देखते हो ना, जब उत्तरायण पे किसी की पतंग कट जाती है तो बोलते हैं ना काटा काटा, ऐसा मतलब इसकी पतंग को भी काटा, उसकी पतंग को भी क्या किया, काटा। खूब लगाया सैर सपाटा, पतंग के साथ हमने क्या किया, बहुत घूमा। सैर सपाटा मतलब क्या होता है बेटा, घूमना। अब लड़ने में जुड़ी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब लड़ने में जुड़ी पतंग मतलब आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये देखो, ये एक पतंग और ये दूसरे पतंग, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। एक दूसरे को काटने के लिए वो लड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं अब लड़ने में जुड़ी हमारी पतंग और कट गई लुटी पतंग। और हमने क्या किया, पतंग को काटा भी और हमने क्या किया, पतंग को लूटा भी। लूटी पतंग मतलब आप देखते हो ना बच्चे, हम तुम भी जाते होंगे ना, जैसे पतंग कट के आती है तो आप लोग लूटने जाते हो, नहीं जाते हो, उसके पीछे दौड़ते हो और आप पतंग को लूटते हो। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 आवाज़ करके क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। और फर फर करके वो जो पतंग उड़ रही थी वो क्या हो रही है, कट रही है। तो आपको समझ में आया ये कितना अच्छा पार्ट है। तो पतंग आप सबको बहुत अच्छी लगती है। और अभी आने वाला है ना, एक महीने के बाद कुछ टाइम बाद उत्तरायण आने वाली है, उससे पहले आप ये उड़ाना शुरू करते हो तो आपको आए मज़ा। अब हम इसका अभ्यास देखते हैं। जैसे पतंग का चित्र, तो देखो मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको भी आपकी किताब में इस तरह का चित्र बनाना है। अब कविता बनाइए, जैसे सर 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 उड़ी पतंग, तो घंटी बोली टन 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 टन, मुझसे खेलो तुम हरदम। घंटी होती है ना बेटा, मंदिर की घंटी होती है कुछ घंटी, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि टन 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 टन, मुझ में खेलो तुम हरदम। उड़ता कपड़ा फर फर लहराए हवा में फर, है ना। अब कपड़ा कैसे लहराता है, जब मम्मी कपड़े सुखाती है साड़ी और हवा आती है तो वो कैसे लहराता है, यूँ फर 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 करके। बजती चूड़ी खन 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 खन, मम्मी के हाथों में चूड़ियाँ कैसी बजती है, खन 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 खन। तो देखो हमने उससे कविता बनाई, बहुत अच्छी कविता बनी हमारी। सोचो और लिखो, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पे गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। अब बेटा पतंग कहाँ जाती है, आसमान में। यदि हम आसमान में सैर सपाटे करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ देखी कि धरती की हर वस्तु आकाश से बहुत छोटी दिखाई देती है। बेटा आप देखना क्या, यदि हम, तो देखो बेटा धरती से है ना हर वस्तु आकाश से बहुत छोटी दिखाई देती है। धरती की हर वस्तु अपने प्लेन में बैठते हैं, हवाई जहाज़ में, तो आपने देखा नीचे बहुत ना जगह छोटी दिखाई देती है। हवा बहुत तेज़ थी आसमान में, हवा कैसी थी, तेज़ थी। आसमान से लोग चींटियों के जैसे दिखाई देते, किसके जैसे दिखाई देता है बेटा, चींटियों के जैसे दिखाई देते हैं, उनके समान क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। फिर आकाश के अंदर और क्या चीज़ें दिखाई देती है, हम पतंग के साथ गए तो हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई दी पतंग के साथ जाने पर, वहां पर बेटा क्या दिखाई दिया, पेड़ पक्षी दिखाई दिए, बहुत सारी चिड़ियाँ आकाश में उड़ते हुए हमने देखी, कब, जब हम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए थे। पतंग काट कर कहाँ कहाँ गिर सकती है, पतंग कट कर बेटा कहाँ गिर सकती है, तो आप बताओ, आपको भी पता होगा ना पतंग कट कट के कहाँ गिर सकती है, तो पेड़ के ऊपर, बिजली के खंभे पर, बिजली के तारों पर, ज़मीन पर, इमारतों की छतों पर, इन सब जगह क्या होती है हमारी, ये क्या होती है बेटा, पतंग कट कर गिर सकती है। आया आपको समझ में, आपने भी देखा है पतंग कट के, आप देखो पेड़ों की डालों पर होती है, बिजली के खंभों पर, तारों पर, नीचे ज़मीन पर, बहुत जगह पतंग कट के गिरती है। कागज़ से कुत्ता बनाओ, देखो बेटा यहाँ एक चित देख रखा है, आपको क्या करना है, एक इस तरह का कागज लेना है, उसके बीचों बीच लाइन करनी है, उसको क्या करना है, मोड़ना है, मोड़ के दो लाइन ऐसे करनी है और उनको क्या करना है, आपस में कुछ इस तरह से मोड़ना है। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, कुत्ता बन गया। तो आपको समझ में आया, तो आपको ये क्या करना है, अपनी गृह कार्य की कॉपी में ये अभ्यास को लिखना है। तो आपको ये पतंग के बारे में समझ में आया, हमने देखा कि पतंग के बारे में कि पतंग बहुत अच्छी होती है, हम उसको उड़ाते हैं तो हमको बहुत आनंद मिलता है। सबको समझ में आया बच्चों? धन्यवाद बच्चों।